एंजल्स किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी किनवा की खिचड़ी लेके आई हूँ। अक्सर हमने देखा है कि खिचड़ी में क्या होता है, दाल और चावल, तो कार्ब्स की मात्रा काफ़ी बार बहुत बढ़ जाती है। सो इफ़ यू आर कटिंग ऑन कार्ब्स, दिस इज़ अ वेरी हेल्दी एंड नाइस ऑप्शन फॉर यू। इसमें हम यूज़ करेंगे किनवा, जो प्रोटीन के लिए बहुत ही अच्छा है, ओट्स जो भी इसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं, और दाल। तो जो चावल है खाली 1/4 ही होगी। तो आइए देखते हैं वेरी हेल्दी प्रोटीन रिच किनवा खिचड़ी। तो किनवा ओट्स खिचड़ी के लिए हमें चाहिए 1/4 कप मूंग की दाल, 1/4 कप ओट्स, 1/4 कप किनवा, 1/4 कप राइस। प्रोटीन के लिए हम थोड़े से पीनट्स ले लेंगे सिंगदाना, और वेजिटेबल्स में मैंने ले लिया है कैरेट्स, ब्रोकली, कॉर्न है, कैबेज, थोड़े से एग प्लांट है, और ये है थोड़े से आलू। तो आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो वो आप ले सकते हो आपकी चॉइस के अनुसार। और इसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा, इसमें है हमारे पास है लहसुन, ग्रीन चिली और जिंजर। ओके, सो दिस इज ऑल वी विल नीड फॉर मेकिंग किनवा खिचड़ी। सो अब हम सब कुछ मिक्स कर लेंगे। तो 1/4 कप जो हमने मूंग की दाल ली थी, 1/4 कप जो हमने ओट्स लिए थे, 1/4 कप इज किनवा विच इज हाई प्रोटीन, और 1/4 कप जो भी आप चावल यूज करते हो घर में वो। और अब हम इसे पानी से धो लेंगे। तो पानी से अच्छी तरह इसे थोड़ी देर भिगो के 10 मिनट, और हम इसे फिर वॉश कर लेंगे। तो मैंने 1 चम्मच तेल लिया है, उसमें 1 चम्मच घी और थोड़ी सी राई डाल के, अब देखो राई चटकने लगी है तो मैं थोड़ी सी उसमें डाल दूंगी हींग। अभी गैस में जो है अभी एकदम स्लो कर देती हूँ, जिससे कि मेरा मसाला जो है वो जल ना जाए। और इसके साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा अदरक, लहसुन और 1 छोटी चम्मच ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आपके स्वाद अनुसार, आप जितना भी तीखा खाते हो उतना। और इसे थोड़ा सा हम हिलाते रहेंगे, और जैसे ही अदरक लहसुन को थोड़ा सा हमने सीख लिया है, जिससे कि उसका कच्चापन चला जाए, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा से उसमें मेथी के दाने इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। वैसे तो बच्चे खाते नहीं है, तो इस बहाने वो खा लेंगे। थोड़े से मेथी के दाने डाल दिए हैं, और अब हम एक के बाद एक हमारी जो भी सब्जियां हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो पहले मैं ऐड कर रही हूँ अपने गाजर, फिर मैं ऐड कर रही हूँ अंदर ब्रोकली, हमारे पोटेटोस जो हमने आलू छीले थे, तो सभी ये आ गई हमारी कैबेज, और ये जो वेजिटेबल्स है वो आपकी चॉइस के हैं, आपको जो भी डालने हैं। ये आ गया मेरा एग प्लांट और थोड़े से कॉर्न, और अब हम अच्छी तरह इन्हें हिला देंगे। अब सभी वेजिटेबल्स को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी 1 चम्मच, 1 चम्मच है धनिया जीरा पाउडर, रेड चिली जो है वो आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो, आप जितना भी तीखा खाते हो उसके अनुसार। और इसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद अनुसार सॉल्ट, ये सब मसाले डाल के अच्छी तरह इसे मिक्स कर देंगे। अब हमने सब सब्जियां डाल दी हैं, मसाले भी डाल दिए हैं। अब हमने जो सब मिक्सचर जो हमने धो के तैयार रखा था, अब हम वो ऐड कर देंगे। और इसके साथ थोड़े मूंगफली के दाने भी, आप चाहो तो इसके अंदर काजू या कोई और भी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसमें, और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम पानी ऐड करेंगे, तो 1 कप, 2 कप पानी और 1/2 कप, तो 2.5 कप वाटर इज गुड। 1 कप हमने पूरा मिक्सचर लिया था, तो उसके साथ हम
ढाई कप पानी रखेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखो कितना अच्छा कलर आया है। अब पानी भी हमने ऐड कर दिया है, अब हम इसको क्लोज कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसको 3 विसल तक हम इसको पकने देंगे। जस्ट वेट फॉर 3 विसल्स। तो अभी हमारी किनवा ओट्स की खिचड़ी रेडी हो गई है। आप इसको फ्रेश सैलड के साथ सर्व कर सकते हो, इसके साथ दही, अचार के साथ, कढ़ी के साथ, पापड़ के साथ खा सकते हो। इतनी हेल्दी है और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, हमारे लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए आपको कैसी लगी। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रही किनवा की खिचड़ी।